नमस्कार साथियों, मैं हुलेश कुमार चंद्राकर, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन, प्रांतीय प्रवक्ता और जिला अध्यक्ष धमतरी। जिस प्रकार से राजनांदगांव के अधिकारियों के द्वारा हमारे प्रांताध्यक्ष मनीष मिश्रा जी को बिना स्पष्टीकरण मांगे उन पर निलंबन की कार्रवाई की गई है, और इस तरह की कार्रवाई कहीं ना कहीं ये बताता है कि अधिकारियों का जो मनमाने रवैया है वो बढ़ते जा रहा है। सत्तासीन सरकार को भी ये सोचना होगा कि इतने बड़े संगठन जहां 1,09,000 सहायक शिक्षकों का नेतृत्व करता जो आम शिक्षक साथियों के हित की लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे पदाधिकारियों का कार्यालय में रोज कहीं ना कहीं काम होता है और वो अपने एक एक वर्ग तीन या शिक्षक परिवार की लड़ाई को लड़ रहे हैं। उनके पास हजारों समस्याएं आती हैं। इन सारी समस्याओं को लेकर और अभी जो पदोन्नति का कार्य चल रहा है उसमें पारदर्शिता की मांग उनके द्वारा लगातार की जा रही है। राजनांदगांव जिला में भी ये मांग किया जा रहा है कि जल्द से जल्द प्रमोशन के लिए जो सॉर्ट आउट किया जाना है लिस्ट, उनको पारदर्शिता के साथ में जारी किया जाए और साथियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पदोन्नति के मामले में होना चाहिए, वो किसी भी संवर्ग से हो। इस तरह की मांगों को लगातार अधिकारियों के पास में उनके द्वारा रखा जा रहा है और कहीं ना कहीं अधिकारी इससे हताश होकर संगठन के प्रमुख नेता को टारगेट कर रहे हैं। और ये छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के पूरे 28 जिला अध्यक्षों ने ऐलान किया है कि यदि तत्काल मनीष मिश्रा के ऊपर दुर्भावनापूर्ण जो निलंबन की कार्रवाई की गई है उसको हटाया नहीं जाता तो आने वाले दिनों में हम सभी 28 जिला के पदाधिकारी सबसे पहले राजनांदगांव में डेरा डालेंगे और प्रशासन के इस रवैये के खिलाफ शंखनाद करेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो आने वाले दिनों में हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। आप एक एक सहायक शिक्षक साथियों से निवेदन, अपने नेतृत्वकर्ता जो आपके लिए लड़ रहे हैं उनका साथ देंगे। धन्यवाद। मैं हुलेश कुमार चंद्राकर, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय मनीष मिश्रा जी, जो 1,09,000 सहायक शिक्षकों की लड़ाई को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, आज राजनांदगांव जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से उनके खिलाफ निलंबन का एक आदेश निकाला गया है। और इस तरह के आदेश जो निकाला गया है कहीं न कहीं दुर्भावना की ओर इशारा कर रही है। हम ये मांग करते हैं, समस्त 28 जिला अध्यक्षों ने ये मांग किया है कि मनीष मिश्रा के निलंबन की बहाली तत्काल यदि नहीं किया जाता तो हम बहुत जल्द एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। जिला अध्यक्षों के द्वारा ये बात कही गई है कि किसी भी कर्मचारी को उनके राय जाने बगैर, स्पष्टीकरण को जाने बगैर आप किसी भी तरह से निलंबन की कार्यवाही नहीं कर सकते। प्रांतीय नेतृत्वकर्ता चाहे वो किसी भी संघ संगठन से हो, कर्मचारी संगठन ऐसा है जिसमें नेतृत्वकर्ता के पास हजारों काम होते हैं और उनका एक अधिकार होता है कि वह कार्यालय में जाकर स्पष्टीकरण, जैसे पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है उसमें पारदर्शिता जैसे कामों के लिए या अन्य संघीय कार्यों के लिए भी कार्यालय जाते हैं। किसी भी शिक्षक संगठन की बात हो, नेतृत्वकर्ता की जवाबदेही होती है कि अपने संगठन के लिए, अपने कर्मचारियों के हित के लिए वो समय समय पर कार्यालय जाएं। और इस तरह से मनीष मिश्रा के ऊपर जो निलंबन की कार्रवाई की गई है ये निश्चित ही प्रशासन के साथ साथ में शासन को सोचना होगा, क्योंकि सत्तासीन सरकार भी आम जनता के साथ साथ कर्मचारी संगठनों के साथ में चलने के वादा करते आए हैं, और कर्मचारी संगठन यदि नाराज हो गया तो कहीं ना कहीं इसकी भरपाई कर पाना दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मैं हुलेश कुमार चंद्राकर, प्रांतीय प्रवक्ता, आम एक एक सहायक शिक्षक और कर्मचारी संगठनों से निवेदन करता हूं कि इस तरह से किसी भी तरह से कार्रवाई की जाती है ऐसे अधिकारियों को तत्काल वहां से हटाया जाए। और ये हमारी मांग है कि तत्काल निलंबन निरस्त किया जाए। धन्यवाद।